जीपीएल न्यूज हर खबर आपके। गोपालगंज जिले में हथुआ में आज विधानसभा क्षेत्र के संकल्प पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव का संगठनात्मक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन एवं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री सह हथुआ के विधायक रामसेवक सिंह तथा जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसका निर्वहन वे निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तथा अपने कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वहीं समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर पर लोगों तक पहुँचाने तथा उसका लाभ कैसे गरीबों को दिया जाए इसकी जानकारी बूथ स्तर पर लोगों को मिले। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। माननीय विधायक के साथ में ही समाज कल्याण मंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं और उनके साथ हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्यों ना मैं कुछ समय आप सभी के बीच दूं। तो देखिए, आप सभी के बीच हमारे माननीय मंत्री जी भी विराजमान हो गए, तो एक बार आप सभी लोग जो तालियां बजा करके विधायक जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हो गए लो, क्या कहना? देखिए, हथुआ विधानसभा के अंतर्गत इस संगठन का बैठक है, बूथ के अध्यक्ष, बूथ का सचिव और पंचायत अध्यक्ष सहित इस विधानसभा के संगठन से जुड़े हुए प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और जिला के सभी कमेटी के पदाधिकारी और जिला के अध्यक्ष और हमारे जिला के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी सभी लोग उपस्थित थे। मकसद एक ही था कि हमारे बूथ पर जो हमारे अध्यक्ष सचिव बने हैं वो अध्यक्ष सचिव सरकार के जन कल्याणी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए और संगठन से वहाँ के आम लोगों को जोड़े और आम जो योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है उन योजनाओं को धरातल पर आम जनता को बताएं और उन योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुँचाने के मकसद से सभी अपने बूथ स्तर के अध्यक्ष सचिव का बैठक की ये बुलाया गया था ताकि वो आए और उनको हम लोग मतलब अपने कामों को बताएं ताकि आम जनता में जाकर अपने बातों को रखे और सरकार की नीति को बताएं कि हमारे सरकार के माध्यम से कौन सी योजनाएं चल रही है और कौन योजनाएं आने वाली है। इसी मकसद से हथुआ विधानसभा के तरफ से संगठन का बैठक बुलाया गया। जीपीएल न्यूज हर खबर आपके।